दोस्तों देखिए इस पार्क में कितना लिपटा चिपटी होती है। बने रहिएगा दोस्तों हमारी वीडियो में, आपको आगे भी सारी चीजें दिखेंगी। हाय तो कर दो, आ गए हो, कर दो। तो हेलो दोस्तों, मैं सुमित स्वागत करता हूं आपका कानपुर के इस नए ब्लॉग नंबर 7 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूं कानपुर के सबसे फेमस पार्क यानी कि कारगिल पार्क में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी ब्लॉग सब में। दोस्तों कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स आज हम लोग आए हुए हैं कानपुर के मोती झील यानी स्वामी विवेकानंद पार्क में। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, हम आपको अच्छे अंदर जाके दिखाते हैं और भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे यहाँ पे क्या कुछ है देखने के लिए और क्या कुछ नहीं है। बच्चों के मनोरंजन के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे झूले भी यहाँ पे, तो हम लोग साथ बने रहिएगा, हम लोग मिलते हैं आपको थोड़ी देर। आप देख सकते हैं, आए तो कर दो, आ गए हो तो कुछ कर दो। ये तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये कानपुर मोती झील का पार्किंग एरिया है, ये आप देख सकते हैं कानपुर नगर निगम पार्किंग स्थल। हमने भी अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी है, तो हम लोग बढ़ रहे हैं पार्क के अंदर। और दोस्तों ये पार्किंग नगर निगम की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसमें यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के लिए कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। दोस्तों पार्क में प्रवेश करने के लिए हम लोगों को टिकट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे मित्र जा रहे हैं टिकट लेने। दोस्तों टिकट का जो शुल्क है वो प्रति व्यक्ति 10 रुपये है और प्रति बच्चा 5 रुपये है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं कानपुर के कारगिल पार्क के अंदर, और जैसा कि आप देख रहे हैं पीछे हम लोगों के एंट्री गेट है, जो मेन एंट्री गेट है। मेन एंट्री गेट से चलते हुए हम लोग जब यहाँ तक आए हैं, अब हम लोगों के आगे एक राइट साइड जाने का वे है, एक लेफ्ट साइड है, दोनों ही तरफ काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए, तो आप लोग बने रहिएगा। दोस्तों इस पार्क में बहुत सारे पेड़ और पौधे होने के कारण चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, इसके अलावा घास भी अपनी तरफ से चार चांद लगा देती है। दोस्तों सामने ये पार्क के अंदर जाने का पूरा डायरेक्शन बना हुआ है। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं चिल्ड्रन पार्क के सामने, और ये पार्क 0 से 12 साल तक के बच्चों के लिए बना हुआ है। तो फाइनली दोस्तों हम लोग इसके अंदर जाते हैं और आपको दिखाते हैं इस पार्क के अंदर क्या क्या है बच्चों के लिए।
तो फाइनली दोस्तों इस पार्क के अंदर बहुत सारे झूलों के साथ साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ अपने बच्चों के साथ आइए, सच में आप बहुत इंजॉय करेंगे इस पार्क में, और आप तो करेंगे साथ में बच्चे और भी ज़्यादा इंजॉयमेंट करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, बच्चों ने तो झूला झूल लिया है, साथ ही साथ बच्चों की मम्मियाँ भी झूला झूल रही हैं। वैसे ये पार्क तो 12 साल तक के बच्चों के लिए है, बट क्या करने हैं इनको। तो दोस्तों इस पार्क में हम लोगों ने काफ़ी समय बिता लिया है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है पार्क का व्यायाम स्थल। इस व्यायाम स्थल में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को हम लोगों को मिलती हैं जो कि व्यायाम के लिए बनाई गई हैं। तो चलिए दोस्तों इनका हम लोग भी कुछ इस्तेमाल कर ही लेते हैं। बचपना वापस आ रहा है गाइस, आप देख रहे हैं ये एक्सरसाइज है कौन सी, समझ नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, सामने बनी हुई आकृति टायर की बनी हुई है, और दिखने में तो ये मंकी टाइप की लग रही है, बट आप कमेंट करके बताओ ये क्या बना हुआ है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। वाओ। और दोस्तों ये है बना हुआ मगरमच्छ, ये टायर का बना हुआ है। दोस्तों इस पार्क में काफ़ी सारी चीज़ें वेस्ट टायर से बनी हुई हैं, और ये देखिए ये एलिफेंट बना हुआ है, इतना ही सुंदर बना हुआ है। और देखिए दोस्तों कानपुर नगर निगम की तरफ से ये मैसेज दिया गया है, लेट्स गो ग्रीन। तो इनका मैसेज यही है, वेस्ट टायरों को आप जलाएं नहीं, उन्हें किसी ना किसी यूज़ में लाएं, क्योंकि वेस्ट टायरों को जलाने से काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है, जिसको हम सब नहीं ध्यान देते हैं, बट सच में वो हमारे वातावरण को बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर देता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, टायर का अच्छा से अच्छा इस्तेमाल करना कोई इन आर्टिस्ट से सीखे, कितना ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत इन लोगों ने बनाया हुआ है, इतना बढ़िया आर्ट, मतलब टायरों का तो मैंने कभी कहीं नहीं देखा।
तो आप लोग देखिए ऐसे कि कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। दोस्तों ये देखिए, मौका मिलते ही यहाँ के कपल्स चौका मारने में पीछे नहीं हटते, ये देखिए आप। दोस्तों इस पार्क में बहुत सारे लड़के और लड़कियाँ रील्स बनाने भी आते हैं, जैसा कि इस पार्क को रील्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारा स्पेस है। तो कुछ रील्स हम लोगों ने भी बनाए हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हो चुकी है फुल मस्ती और हम लोग हो चुका है यहाँ से निकलने का समय। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सबके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है दोस्तों हमें। ओके दोस्तों, बाय बाय।